1960 की दहाई में दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होता था। ये पुरअमन तरीन शहर था, दुनिया जहां के सफारतकार और सयाह शहर में घूमते फिरते रहते थे। होटल्स, डिस्कोस और बाजार आबाद थे। कराची का साहिल दुनिया के 10 शानदार साहिलों में से एक था। PIA दुनिया की 4 बड़ी एयरलाइंस में शुमार होती थी, यूरोप, अमेरिका, मशरिक़ बईद, अरब ममालिक, सोवियत यूनियन, जापान और भारत जाने वाले तमाम जहाज कराची उतरते थे और मुसाफिर कराची के बाजारों में 1-2 घंटे गुजार कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते थे। शहर में डबल डेकर बसें चलती थी। हुकूमत ने अंडरग्राउंड ट्रेन के लिए शहर में खुदाई मुकम्मल करवा दी थी और यूं कराची एशिया का पहला शहर बनने वाला था जिसमें मेट्रो की सहूलत होती। कराची की रोशनियां रात को दिन में बदल देती थी। कराची के बीच भी लाजवाब थे। सफारतकार गोरे हफ्ता और इतवार का दिन बीच की गर्म रेत पर लेटकर गुजारते थे। दुनिया भर से बहरी जहाजों के जरिए हजारों मुसाफिर कराची आते थे। कराची खत्ते का जंक्शन भी था। यूरोप से लोग ट्रेन के जरिए इस्तांबुल आते थे, वहाँ से तेहरान, तेहरान से कोयटा और कोयटा से कराची आते थे। कराची में रुककर ट्रेन के जरिए इंडिया चले जाते थे और वहाँ से श्रीलंका, नेपाल और भूटान तक पहुँच जाते थे। कराची में दुनिया की जदीद तरीन मसनूआत मिलती थी। ये शहर बड़ी गाड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट होता था। जापान, यूरोप और अमेरिका से महंगी गाड़ियाँ कराची आती थी और कराची के सेठ बाकायदा बोली देकर ये गाड़ियाँ खरीदते थे। यहाँ का रेलवे स्टेशन दुनिया के बेहतरीन स्टेशन्स में शुमार होता था। ट्रेनें जदीद, साफ सुथरी और आरामदेह थी और इनमें खाना भी साफ सुथरा और मयारी मिलता था। ज्यादातर सफारतकार रिटायरमेंट के बाद कराची में कयाम के मंसूबे बनाते थे और यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश भी करते थे। शहर साफ सुथरा था, फिजा बहुत अच्छी थी। सर्दियों और गर्मियों में दर्जा हरारत मोतदिल रहता था। ब्यूरोक्रेसी पढ़ी लिखी, मुहिब वतन और कोऑपरेटिव थी और हुकूमती ओहदेदार आला तालीम याफ्ता और कल्चर्ड थे। लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे। शहर में किसी किस्म की टेंशन और खौफ नहीं था। कराची के किसी सफारतखाने के सामने सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस नहीं होती थी। सफारतकार अपने हाथ से सफारतखाने का गेट खोलते और बंद करते थे। पाकिस्तान के लिए किसी मुल्क के वीजे की जरूरत नहीं होती थी। पाकिस्तानी शहरी जहाज में सवार होते थे, यूरोप के ममालिक में उतरते थे और इन्हें एयरपोर्ट पर वीजा मिल जाता था। इसकी वजह बहुत दिलचस्प थी। पाकिस्तान उस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें सिर्फ उन लोगों को पासपोर्ट दिया जाता था जो वाकई ही जेन्युइन मुसाफिर होते थे। पाकिस्तानी शहरियों को पासपोर्ट के हसूल के लिए अपने खुशहाल होने, साहिब जायदाद होने और सफर की वजूहात के सबूत देना पड़ते थे। कराची का मयार तालीम पूरे खत्ते में बुलंद था। तालिब इल्म यूरोप, अरब ममालिक, अफ्रीका, मशरिक़ बईद, ईरान, अफगानिस्तान और चीन से तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान में आते थे और कराची और लाहौर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दाखिल हो जाते थे। अमेरिका और यूरोप के प्रोफेसर्स रोजगार के लिए पाकिस्तान का रुख करते थे। कराची शहर में 1000 के करीब गैर मुल्की डॉक्टर, तबीब और प्रोफेसर्स थे। पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम जदीद और फॉल प्रूफ था। बिजली, टेलीफोन और गैस का इंतजाम बहुत अच्छा था। सीवरेज सिस्टम शानदार था। कराची में बारिश के आध घंटे बाद सड़कें खुश्क हो जाती थी। रोजगार के मौके आम थे, फैक्ट्रियां लग रही थी और माल एक्सपोर्ट हो रहा था। टेलीविजन नया नया आया था, चुनाचे कराची की छतों पर ईंटों की लंबी कतारें दिखाई देती थी। वर्ल्ड बैंक और IMF के ओहदेदार उस वक्त अमेरिकी एम्बेसी आते और सफारतकारों से कहते थे, तुम किसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत को कर्जा लेने पर मजबूर करो। सफारतकार वजीर खजाना से बात करते तो वो कहता, हमें जरूरत ही नहीं, हम पैसे लेकर क्या करेंगे। तब सफारतकार एक दूसरे से कहते, क्या 1980 तक कराची दुनिया का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें।